नमस्कार, हिम्बुटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक का सफर 9 महीनों का होता है। अगर किसी कारणवश शिशु का जन्म 37 हफ्तों से पहले होता है तो उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी का नाम दिया जाता है। समय से पहले डिलीवरी होना शिशु और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे शिशु जो समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं उन्हें किसी न किसी शारीरिक समस्या का शिकार होना पड़ता है। आप बता दें कि बहुत से कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते वे आजकल IVF तकनीक का सहारा ले रहे हैं। IVF एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इसमें महिला के एग्स का संपर्क शरीर के बाहर शुक्राणु से कराया जाता है, फिर फर्टिलाइज किए एग को महिला के गर्भाशय में रखा जाता है। लोगों के मन में IVF को लेकर अब भी कई प्रकार के भ्रम हैं। क्या IVF ट्रीटमेंट कराने से बढ़ता है प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा? ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका संबंध केवल IVF तकनीक से ही हो। हालांकि अगर 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए हैं तो प्रीमैच्योर डिलीवरी की आशंका ज्यादा होती है। वहीं UK और US जैसे देशों में SET सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की तकनीक अपनाई जाती है। इस तकनीक में केवल एक एम्ब्रियो को चुना जाता है। इससे ट्विन्स प्रेगनेंसी या प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा कम हो जाता है। अगर सफल IVF ट्रीटमेंट के बाद ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है तो भी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने की आशंका ज्यादा रहती है। प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा किन महिलाओं में ज्यादा होता है? एक्सपर्ट के मुताबिक प्रीमैच्योर डिलीवरी के मामले उन महिलाओं में ज्यादा देखे जाते हैं जिन्हें निम्न समस्याएं होती है: थायराइड, डायबिटीज, हाई BP, मोटापा या अन्य कोई पुरानी बीमारी। पहले भी प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी हो तो प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा 2 गुना हो जाता है। पोषक तत्वों की कमी या एनीमिया की स्थिति होना, गर्भवती महिलाएं की उम्र 35 साल से ज्यादा या 17 साल से कम होना, प्रेगनेंसी में महिलाएं का वजन बहुत कम या ज्यादा होना, अल्कोहल या नशीली चीजों का सेवन करना। प्रीमैच्योर डिलीवरी से बचने के टिप्स। प्रेगनेंसी में सुरक्षित रहने का पहला स्टेप है अपनी हेल्थ पर नजर रखें। किसी भी तरह के असामान्य लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेगनेंसी के साथ PCOD भी है तो अधिक सावधानी बरतें। समय समय पर जरूरी जांच करवाते रहें। हेल्दी डाइट का सेवन करें। अपनी डाइट में सभी जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करें। तनाव को कम करें। कुछ स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि ज्यादा तनाव लेने से प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में प्रीनेटल योगा करें। इससे शरीर में लचीलापन रहता है और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है। प्रीमैच्योर डिलीवरी से बचना चाहते हैं तो ऊपर बताए टिप्स को फॉलो करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।